श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 89 बुध और एला का समागम तथा पुरुरवा की उत्पत्ति। किन पुरुष जाति की उत्पत्ति का ये प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति कर्दम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया। वे सब किन्नरियां पर्वत के किनारे चली गईं। ये देख मुनिश्रेष्ठ बुध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, सुमुखी, मैं सोमदेवता का परम प्रिय पुत्र हूँ। वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस सूने स्थान में बुध की यह बात सुनकर इला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुध से इस प्रकार बोली, सौम्य सोमकुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली स्वतंत्र हूँ, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूँ। अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इला का यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे। मनोहर मुखवाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुखवाले प्रजापति पुत्र श्रीमार इल अपनी शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुध वहां जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई हैं और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुध से पूछा, भगवन, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहाँ मुझे अपनी वह सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहाँ चले गए। राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए ये शुभ वचन बोले, राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। वीर, अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। बुध के इस वचन से परम बुद्धिमान राजा इल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वे बहुत दुखी थे, इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, ब्रह्मा, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा, मेरे धर्मप्रायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं। उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहां जाकर उनका अभिषेक करूंगा, तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। महातेजस्वी मुने, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सबको छोड़कर मैं यहाँ नहीं ठहर सकूंगा। अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप न कहें जिससे स्वजनों से बिछुड़कर मुझे यहाँ दुखपूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। राजेंद्र इल के ऐसा कहने पर बुध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही, राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम एक वर्ष तक यहाँ निवास कर लोगे, तब मैं तुम्हारा हित साधन करूँगा। पुण्यकर्मा बुध का यह वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहाँ रहने का निश्चय किया। वे एक मास तक स्त्री होकर निरंतर बुध के साथ रमण करते और फिर एक मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुध से एक पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरुवा। उसके उस महाबली पुत्र की अंगकांति बुध के ही समान थी। वह जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया, इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता खाथ में सौंप दिया। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे, उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे, तब तब मन को वश में रखने वाले बुध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे।